प्रदेश कांग्रेस में अंदरखाने भले ही लाख लड़ाई के आरोप लग रहे हों, लेकिन प्रदेश में होने वाले चुनावी नतीजों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी ही दिखा। कोटा, जोधपुर और जयपुर विजय के बाद एक बार फिर कांग्रेस का परचम बुलंदी पर है। गांव की सरकार गंवाने के बाद निकाय चुनाव में कांग्रेस ने दमदार वापसी की है। रविवार को राजस्थान नगर निकायों के चेयरपर्सन के चुनावों के परिणाम भी आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने एक तरफा क्लीन स्वीप किया है। वहीं बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश के 12 जिलों में 50 निकायों में अध्यक्ष पद के लिए रविवार को घोषित हुए चुनाव परिणामों में 36 निकायों में कांग्रेस उम्मीदवार और 12 निकायों पर बीजेपी उम्मीदवारों को अध्यक्ष पद के लिए विजयी घोषित किया गया। वहीं 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत दर्ज की। आपको बता दें कि राजस्थान के 50 शहरी निकायों के प्रमुख के चुनाव में 101 प्रत्याशी मैदान में थे। इन 50 निकाय सीटों में से 7 नगर परिषद और 43 नगर पालिका की सीटें हैं। नगर परिषद की 7 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, जबकि बीजेपी केवल 1 सीट ही जीत पाई है, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के हिस्से में आई है। जिन 50 सीटों के परिणाम अभी तक आए हैं, उनमें 28 पर पुरुष उम्मीदवार और 22 पर महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां घर की लड़ाई से जूझ रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये चुनाव परिणाम विधानसभा के सेमीफाइनल की तरह हैं। पायलट वर्सेस गहलोत में फंसी कांग्रेस ने गांव की सरकार भले ही गंवा दी हो, पर शहरों की सरकार में कांग्रेस का परचम जबरदस्त तरीके से लहराया। वहीं 2 बार की पूर्व सीएम वर्सेस पुनिया गुट के आरोप झेल रही बीजेपी गांव में पहुंच बनाने में कामयाब जरूर रही। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 3 साल बाद यानी 2023 में होने हैं। अब देखना है कि 2023 में कांग्रेस और बीजेपी अपने पुराने सीएम के चेहरों पर चुनाव लड़ती है, या फिर दोनों ही पार्टियां नए नए महारथियों के साथ दावेदारी ठोकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।